नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित आप सभी का हमारे इस नव जीवन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम विषय पर चर्चा करते हैं राजनीतिक विज्ञान। ये ऐसा विषय है कि इसे मन से पढ़े तो ये सरल और स्वभाव का है, सरल है, इसे इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम अच्छे से पढ़ें तो ये समझ आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि समझ नहीं आ सकता। तो आज हमारा टॉपिक होगा सरकार के अंग। कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है उसमें सरकार के तीन अंग होते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिए सरकार के कितने अंग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रशासन। तो मित्रों देखिए, प्रशासन को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हमारा होगा कार्यपालिका, दूसरा हमारा होगा व्यवस्थापिका, और मित्रों तीसरा हमारा होगा न्यायपालिका। ठीक है मित्रों, तीसरा हमारा न्यायपालिका। कोई भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें सरकार के तीन अंग बताएंगे। पहला हमारा कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, आज हम बात देखते हैं कार्यपालिका के कुछ डिवाइड है, तो देखते हैं कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, अपने राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे हम देश के, अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे हम, अपने पीएम एंड अपने पीएम और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आगे पढ़ेंगे महान न्यायवादी, ठीक है मित्रों। हमारी कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को पढ़ेंगे, और हम हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, और महान्यायवादी को पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। अब थोड़ा सा व्यवस्थापिका का डिवाइड देख लेते हैं हम किस प्रकार होता है। हमारी व्यवस्थापिका, क्योंकि व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहा गया है, और इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो मित्रों देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे हमारी संसद को, हमारी राज्यसभा को और हमारे लोकसभा को, ठीक है मित्रों। व्यवस्थापिका में हम संसद पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे हम, अपना हाई कोर्ट पढ़ेंगे और अपना अधीनस्थ न्यायालय, इसमें पढ़ेंगे हम अधीनस्थ न्यायालय। मित्रों सर्वप्रथम हम आज बात करेंगे व्यवस्थापिका की, क्योंकि हमारा देश में जो कानून बनाती है वो हमारी व्यवस्थापिका ही बनाती है, और कानून बनाने के बाद इसे जो लागू करने का जो कार्य है वो अपनी कार्यपालिका का है। मित्रों कानून तो ये बनाती है और इसे लागू कौन करता है, कार्यपालिका।
बनाती ये है और लागू ये क्यों करती है? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी विधेयक, चाहे वो साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो, जब तक कानून नहीं बनता, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए या राष्ट्रपति की मोहर न लग जाए। इसलिए मित्रों, कानून यहाँ बनता है और लागू हमारे कार्यपालिका पर होता है। और हमारी सरकार के अंग में न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, क्योंकि वर्तमान में हम बात करें न्यायपालिका की, तो हमारे वर्तमान में एक अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, 18 सितंबर समथिंग है। उसमें क्या हुआ था, पहले राज्य सरकार की गाइडलाइंस आई थी, उसमें कहा गया था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, पोस्टपोन करा रहे थे बार बार के एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। लेकिन वहीं पे हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की कि एग्ज़ाम होंगे, तो ये दोनों विवादित हो गए। राज्य सरकार ने कहा एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे और हमारी केंद्र सरकार कह रही है कि एग्ज़ाम करवाएंगे। ये दो विवादित ढांचा हो गया एग्ज़ाम वाला। तो विवादित ढांचों में हमारा सुप्रीम कोर्ट, इस पर आपको पता है हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने याचिका लगाई किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य होता है, वो राज्य को और केंद्र को दोनों को मानना ही पड़ता है, चाहे वो राज्य या केंद्र चाहे या न चाहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एग्ज़ाम तो करवाने ही होंगे, इसलिए हमारे एग्ज़ाम होंगे। ठीक है मित्रों, तो आज हम चर्चा करेंगे व्यस्तपिका के बारे में। ठीक है मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे व्यस्तपिका के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। तो आज मित्रों हम पढ़ेंगे चर्चा करते हैं अपनी संसद के बारे में, यानी अपनी व्यस्तपिका के बारे में। ठीक है मित्रों, संसद, क्योंकि व्यस्तपिका को भारत में संसद कहा गया है, इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा गया है। तो देखिए हैं हम इसको डिवाइड करते हैं मित्रों, संसद के भी तीन अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। एक नंबर हमारा आता है यहाँ पे, राज्यसभा, दो नंबर आता है लोकसभा, तीसरा नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, संसद के तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। मित्रों मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, अनुच्छेद, ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संसद का राज्यसभा लोकसभा के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होगा। जी हाँ मित्रों, संविधान, संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में हम देखते हैं अनुच्छेद 80 हमारे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है, और हमारे लोकसभा में देखें तो हमारा आता है अनुच्छेद 81 अनुच्छेद। ठीक है मित्रों,
हम थोड़े से राज्यसभा के बारे में नॉर्मली जानकारी करते हैं। देखिए राज्यसभा को हमें राज्यसभा के बारे में राज्यसभा हमारा राज्यसभा उच्च सदन है और स्थाई सदन है हमारा राज्यसभा हमारा स्थाई सदन है। वहीं पे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारा निम्न सदन है। और हमारा लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है। ठीक है मित्रों, राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। ठीक है मित्रों, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक तो साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संसद के कितने अंग हैं। तो मित्रों याद रखना, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अगर आपको वो पूछ ले संसद के सदन कितने हैं, तो मित्रों याद रखिए संसद के 2 ही सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा। ये मित्रों ध्यान हमारा ये ध्यान रखिए, इसमें पूछा जाता है संसद के सदन। तो मित्रों याद रखिए संसद के सदन 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर आपको पूछ ले संसद के अंग कितने हैं, तो मित्रों बताना है संसद के 3 अंग होते हैं, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 79 यही कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा के अतिरिक्त हमारा राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है मित्रों, आज हम पहले पढ़ेंगे संसद का गठन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। अब हम पढ़ेंगे संसद का गठन। संसद का गठन, मित्रों संसद का गठन, संसद का गठन उल्लेख मैंने पहले बता दिया है आपको संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है संसद का गठन। इसके बाद में इसके 3 अंग होते हैं, इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, हमारी लोकसभा। ठीक है मित्रों, ये हमारे 3 अंग होते हैं संविधान का। संसद का गठन हम पढ़ रहे हैं, गठन अनुच्छेद 79 में इसका गठन है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होते हैं। ठीक है मित्रों, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। इसमें ध्यान के ये राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी ये संसद का अंग है। ठीक है मित्रों, ये आपने देख लिया क्योंकि हमारी संसद। ठीक है मित्रों, चल लिया है, मैं मार्कर ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है मित्रों, इतना समझ में आ गया संसद का गठन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे संसद
संसद के सदस्य होने की योग्यता क्या होती है? संसद के सदस्य की योग्यता हम देखेंगे। संसद सदस्य होने की योग्यता है, ठीक है मित्रों, संसद के सदस्य होने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो ठीक है मित्रों, हम आज पढ़ेंगे, अब पढ़ रहे हैं संसद सदस्य होने की योग्यताएं। हमारी योग्यताएं क्या है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 84 हमारी संसद के सदस्य होने की योग्यता बताता है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 84 क्या कहता है मित्रों? वह भारत का नागरिक हो। मित्रों, यह पहली बात हमें याद रख, कोई भी सदस्य ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक हो, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए मित्रों, संसद के सदस्य होने की योग्यताएं क्या है? योग्यता यही हमारा संविधान का अनुच्छेद 84 यही बताता है कि वह सर्वप्रथम तो वह भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरा, राज्यसभा के लिए कम से कम उसकी आयु है जो 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए अपनी न्यूनतम उसकी आयु है जो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब कई बार इसमें ये योग्यताएँ हैं और निर्योग्यताएँ भी पूछ ली जाती है कई बार, कि ये तो योग्यताएँ होनी चाहिए, निर्योग्यताएँ या क्या नहीं होनी चाहिए? तो याद रखिए मित्रों, कोई भी पागल या दिवालिया व्यक्ति, दिमाग चित्त जिसका ख़राब हो, वह संसद का कभी सदस्य नहीं बन सकता। और कोई भी संसद का सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसे संसद के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, आज देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है हमारे संसद सदस्य होने की योग्यताएं। ठीक है, ठीक है मित्रों, आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं शपथ के बारे में। शपथ, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अपने कार्य से पहले शपथ लेते हैं। ठीक है मित्रों, राष्ट्रपति और उसके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ लेते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों,
ये हो गई। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, संसद में भाषा मित्रों, संसद में भाषा क्या चलती है? संसद में हमारी दो भाषा चलती हैं मित्रों। पहली हमारी हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। अगर कोई व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है तो वह उसे पीठाधीश अधिकारी उसे अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकता है। मातृभाषा, कोई भी व्यक्ति हिंदी इंग्लिश बोलने में असक्षम हो तो उसे पीठासीन अधिकारी उसे अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक है मित्रों, तो हमने शपथ देख ली, संसद की भाषा देख ली। संसद की दो भाषा होती है मेन मुख्य, हिंदी और इंग्लिश। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषा या अंग्रेजी इंग्लिश भाषा बोलने में सक्षम नहीं है तो उसे वह पीठाधीश अधिकारी होता है, वो उसे अपनी मातृभाषा में बात अपने रखने के लिए कह सकता है। ठीक है मित्रों, अब थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अब हम देखते हैं मंत्रियों एवं मंत्रियों एवं महान्यायवादी। मंत्री एवं महान्यायवादी के संसद में अधिकार। तो मित्रों हम देखते हैं कि मंत्रियों एवं महान्यायवादी के संसद में क्या अधिकार है। ठीक है मित्रों, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 88 हमें ये अधिकार बताता है कि मंत्री और महान्यायवादी के संसद में क्या अधिकार होती है। तो देखिए हमारी कार्यवाही में ये अधिकार होते हैं, संसद में मंत्री कोई भी कार्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्हें अधिकार है। लेकिन याद रखिए मित्रों, महान्यायवादी है, महान्यायवादी यह संसद में वोट नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, ये संसद में वोट नहीं कर सकते तथा मंत्री उसी सदन में वोट कर सकता है जिसका वह सदस्य हो, तथा मंत्री उसी सदन में वोट कर सकता है संसद में वोट कर सकता है जिसका वह सदस्य हो। जिसका वह सदस्य हो। धन्यवाद मित्रों, आज हमारी क्लास को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि अब हमारी इस संसद के टॉपिक में हमारी
भाग चलेंगे इसमें। अभी भाग ये ऐ हुआ है, हम भाग वह जल्द ही लाएंगे आपके सामने, उसमें हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है मित्रों, हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए हो, ये वीडियो आपको पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।